हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। जैसे कि मैं अपने इस अपना बीए क्लासेस चैनल के आपसे बहुत 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 दिनों बाद मिल रही हूँ और मैं आपको बहुत बड़ा वाला सॉरी, आपको नहीं मतलब जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं, जितने भी लोग मेरे वीडियोस देखते हैं, उनको बहुत बड़ा वाला सॉरी कहूँगी। स्पेशली उन लोगों को जिन लोगों ने मुझे इन दो तीन महीनों में इतने सारे मैसेजेस किए कि मुझे इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए दीदी, मुझे उस टॉपिक पे वीडियो चाहिए दीदी। तो सॉरी फॉर मतलब ऑल दैट पर्सन जो इतना ज़्यादा मैसेज करने के बाद भी उनको कोई हेल्प नहीं मिली मेरी तरफ से, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम थी इसकी जिसमें आप लोग के वीडियो नहीं बना पा रही थी। तो मैं जैसे कि बहुत सारी लड़कियों, आप लोगों का प्रोजेक्ट बन रहा था, आप लोगों ने कॉल के प्रोजेक्ट के लिए हेल्प मांगी, हिंदी के प्रोजेक्ट के लिए हेल्प मांगी, पर मैं कुछ नहीं कर पाई, सॉरी फॉर दैट। और स्पेशली मैं सबके नाम तो एक्चुअली मुझे याद नहीं है जिन्होंने मेरे को व्हाट्सएप पर मैसेज किया था, बट मैं उन सबको सच में बहुत बड़ा सॉरी बोलूँगी फ्रेंड्स। बट क्योंकि मुझे अब एक लड़की ने मैसेज किया था, उसने कहा कि दीदी आपका कमेंट सेक्शन तो ऑफ है, तो मैं आपसे अपनी प्रॉब्लम शेयर कैसे करूँ, आपका व्हाट्सएप नंबर मेरे पास है नहीं और कमेंट सेक्शन आपका ऑफ है, ठीक है। उसने मुझे कॉल करके कहा, तो फिर उसके पास मेरा कॉलिंग नंबर था, व्हाट्सएप नंबर नहीं था। तो फिर मैंने चेक किया आज और मुझे दिखा, अरे मेरा तो वही कमेंट सेक्शन ही बंद हो गया है। तो फ्रेंड्स मैं अपना कमेंट सेक्शन ठीक कर दूँगी, उसकी चिंता मत करें आप। और आगे से अगर कोई भी अभी इशू अब आ रहे हैं तो प्लीज़ मुझे शेयर कीजिए, मैं कोशिश करूँगी, मैं फ्री हो गई हूँ, थोड़ा कोशिश करूँगी आपकी वीडियोज़ बनाऊँ। सबसे पहले मुझे लगा कि मैं आपको बता दूँ, अभी भी बहुत बच्चे डायलेमा में हैं कि एग्ज़ाम होंगे या कैंसिल हो गए, तो फिर मैं आपको फुल्ली आंसर कर रही हूँ, एकदम ऑथेंटिक आंसर है आप सबके लिए कि जो जिनके एग्ज़ाम अभी शुरू नहीं हुए थे उन सब के एग्ज़ाम कैंसिल हो चुके हैं। एग्ज़ाम सिर्फ थर्ड ईयर का होगा और उन लोगों का जिनका शुरू हो गया है, ठीक। तो आपको ये डाउट क्लियर, अब देखो आपका फर्स्ट ईयर पूरा ख़त्म होने को है, ठीक है। जितने भी बीए फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट थे उनका पूरा फर्स्ट ईयर ख़त्म होने को है, अब वो सेकेंड ईयर में जाएंगे। कुछ मैं जैसे आपको शुरू से एम्फोसाइज़ करती थी, जोर डालती थी किस चीज़ पे कि आप अपना खुद का नोट्स बनाएं, खुद का नोट्स बनाएं, खुद का। मैंने हर एक वीडियो में 80% वीडियो में अपने खुद के नोट्स पे आपको जोर दिया और आपको हमेशा एडवाइस दिया कि आप खुद के नोट्स बनाएं। तो जैसा कि आपके पास एक हफ्ते या डेढ़ हफ्ते या दो हफ्ते का समय बचा है आपके अभी सेकेंड ईयर की क्लासेस शुरू होने के लिए, तो मैं आपको बता दूँ कि जैसे थर्ड ईयर में जब आप होते हैं ना, तो थर्ड ईयर में क्या होता है कि एक तो आपको ऑनर्स की बहुत ही लेंथी पढ़ाई करनी होती है, प्लस उधर ही हमको एंट्रेंस की भी तैयारी करनी होती है, क्योंकि थर्ड ईयर के बाद ही तो हमको एंट्रेंस देना होता है। तो वो बहुत ही वो थर्ड ईयर में आप कुछ अपने सिलेबस को ही टाइम दे पाए वही बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि एंट्रेंस की तैयारी में ही सारा समय जाता है। तो हम जैसे कहते हैं सिलेबस को अच्छे से पढ़ना, वो बिल्कुल नहीं हो पाता। मैं आपको यही कहूँगी कि जो ये ईयर आएगा सेकेंड ईयर, वही आपका एक ऐसा ईयर बस आपके पास बचता है जिसमें आप अपने अपने ऊपर थोड़ा फोकस करके पढ़ लिख सकते हैं, या मतलब क्योंकि इसमें एंट्रेंस का उतना टेंशन नहीं रहेगा आपके दिमाग में सेकेंड ईयर में। और अभी आपके पास डेढ़ हफ्तों का समय है, तो मैं यही सजेस्ट करूँगी आप लोगों को कि मुझे पता है कि जितना सिलेबस होता है उसके अकॉर्डिंग 100% नोट्स कभी नहीं बन पाते हमारे, चाहे अगर हम अपना 100% में तो भी, बट अगर 60% भी आप अगर आपका सिलेबस 100% है तो उसका अगर 60% नोट्स भी आप क्रिएट कर लेते हैं अपने लिए तो मच मोर इनफ है। आप कोशिश करिए कि जितना भी फर्स्ट ईयर में आपके नोट्स बने थे, सॉरी आपका फर्स्ट ईयर का जितना भी सिलेबस था, आप उसका जितना हो सके उतना अच्छे से पढ़ के नोट्स क्रिएट कर लिए, क्योंकि अगर आप पढ़े रहेंगे ना जो वो एक पल के लिए भूल भी सकते हैं, और जब एंट्रेंस एग्ज़ाम में अगर आप फिर से उस किताब से पढ़ने की कोशिश करेंगे तो आपको वो चीज़ भूल जाएगा, लेकिन आप बनाए हुए नोट्स को, वो भूली हुई चीज़ जब हमने बनाए हुए नोट्स से पढ़ेंगे तो वो आपको और अच्छे से जो भूले थे सब दुगुना अच्छे से और अच्छे से याद हो जाता है, लेकिन आप उस बुक से पढ़ेंगे जिससे आप पढ़े थे तो आपको नहीं याद आएगा। तो इसीलिए कह रही हूँ, इसीलिए आपको जोर दे रही हूँ, एक्सरसाइज कर रही हूँ कि आप अपना नोट्स बना लें, ठीक है। अपना जितना भी हो सके, जितना भी समय बचा है अभी सेकेंड ईयर क्लासेस शुरू होने में, अपने सभी फर्स्ट ईयर का टोटल सिलेबस में से जो भी हो सके जितना हो सके। और लोग ये सोचेंगे कि पहले इजी सब्जेक्ट का नोट्स बना लेते हैं फिर हार्ड वाले, नहीं, तो हार्ड वाला सब्जेक्ट आज आपको इरिटेट कर रहा है ना कल भी इरिटेट करेगा। सोचिए कि पहले जो हार्ड वाला है उसी को बना के रखें, क्योंकि अगर आगे किसी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम में, किसी एंट्रेंस एग्ज़ाम में अगर पूछेगा तो कम से कम वो हार्ड वाला ही मेरे लिए ईजी बन जाएगा और वो मेरे पास उसका नोट्स रहेगा। और जैसे कि नोट्स के ऊपर मैंने आपको इतनी सारी चीज़ें बताई हैं कि नोट्स अपना नोट्स कितना इंपॉर्टेंट है बनाना, किसी और के नोट्स से कॉपी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप जानते हैं मैंने आपको नोट्स के लिए भी बहुत सारे वीडियो बनाया है कि अपने नोट्स का क्या रोल है, कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एंट्रेंस वगैरह में, तो मुझे उम्मीद है कि आप सब ने उससे कुछ ना कुछ गेन किया होगा।
तो जैसे कि ये नोट्स वाली बात हो गई, अब जैसे कि सेकेंड ईयर शुरू होगा तो अभी उसमें टाइम है, आप इधर नोट्स लगा के अगर अपना कुछ भी फिनिश कर ले लेंगे 60% में फिनिश कर लेंगे, तो आपको जो यहाँ से रिलेशन है वो हमारे सेकेंड ईयर के स्टडीज से रिलेट करते हैं बहुत सारी चीज़ें। अगर हम उधर नहीं पढ़े रहेंगे तो सेकेंड ईयर की बहुत सारी चीज़ें हमें नहीं समझ में आएंगी, इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है कि हम अपना सिलेबस कम्प्लीट कर लें फर्स्ट ईयर का। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपका मतलब फाइनली एक रिक्वेस्ट मैंने एक्सेप्ट करके आपके लिए वीडियो बना लिया कि मैं क्या कैसे करें अब सेकेंड ईयर में क्या करें, बहुत सारी गलतियाँ हो गई। वैसे तो मैं आप लोग के एग्ज़ाम के पर्पज़ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियोस मैं लाने वाली थी, तब से एग्ज़ाम ही कैंसिल हो गया, तो कोई बात नहीं, पर मैं आगे आपको कोई भी हेल्प चाहिए अभी मैं अपना कमेंट सेक्शन ठीक करा देती हूँ उसको, ताकि आप लोग अपनी इजी थ्योरीज वगैरह मुझे शेयर कर पाए। ये तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, वहाँ पे भी अपना मेरे क्लासेस से आप अपनी थ्योरी शेयर कर सकते हैं अगर मैं रिप्लाई ना दूँ व्हाट्सएप पर तो। और फिर उन सबको फिर से मैं एक बार सॉरी बोल दूँ जिन्होंने मुझे ढेर सारे मैसेजेस किए थे और मैं उनका रिप्लाई नहीं दे पाई, तो उनके लिए कोई हेल्प नहीं, कोई वीडियो नहीं दे पाई, सॉरी फॉर ऑल दैट पर्सन। लेकिन बट आपको आगे सब कोई भी क्वेरी हो आप मुझे ज़रूर मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको ज़रूर हेल्प करूँगी। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही, आगे अगर कोई भी हेल्प चाहिए होगा तो ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।